मम्मी जी ये रहा आपका सामान, आप अभी के अभी घर से निकल जाओ। मम्मी जी आपके चाय, वो मम्मी जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती, बेहतर होगा आप अपना इंतजाम खुद कर लो। शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, मैं अब और झमेला नहीं झेल सकती। मैं अपने पति के साथ इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मम्मी जी खाना रेडी है, आप खुद निकाल के खा लेना, मुझसे अब और काम नहीं होता, मैं थक गई हूँ आपका काम करते करते। और हाँ, सुबह ही मैंने आपसे कुछ बोला था, आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मम्मी जी अरे सुनाई नहीं देता क्या आपको? लगता है ये ऐसे नहीं माने। अभी बताए। मम्मी जी ये रहा आपका सामान, आप अभी के अभी घर से निकल जाओ। 1 महीने से मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता, ये सुन के भी आप ना सुनने का बहाना कर रही हो। बहू पर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ। अरे ये सब क्या है खुशी? आप चुप ही रहो तो अच्छा है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं मम्मी जी के साथ नहीं रहना चाहती। अरे चुप, आज अगर आपने कुछ भी बोला तो मैं मायके चली जाऊंगी। मत जाएंगी कहाँ? बस रहने दो बेटा, मैं समझ गई। माँ आप गलत समझ रही हो, आपके रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा माँ कहाँ जाएंगी और माँ नहीं जाएंगी, दोनों बातों में फर्क मुझे अच्छे से समझ आता है। खैर तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे माँ मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे माँ मैं आता हूँ ना आपको छोड़ने। चलिए माँ। बस बेटा यहीं तक। आगे मैं चली जाऊंगी। माँ मैं आता हूँ ना। नहीं बेटा अब तुम घर जाओ। ठीक है माँ। खुश रहो बेटा। माँ ने मुझे मना क्यों किया? ऐसी क्या बात है? देखता हूँ। सब प्रभु की इच्छा। हरे कृष्ण। अरे ये लड़का कौन है? चलो बेटा तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे आंटी वो अंदर मालती देवी। क्या मालती देवी आई है? तुम्हें पता है सुशीला मालती देवी कौन है? नहीं मुझे तो नहीं पता। वो एक बहुत ही अच्छी औरत है। पता है क्या हुआ था? क्या हुआ? 22 साल पहले एक औरत अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई थी अनाथ आश्रम समझकर। और पता है मालती देवी ने क्या किया? उसे गोद ले लिया। हाँ मैंने सुना था। हाँ चलो चलते देखते हैं मालती देवी को। हाँ चलो। अनाथ आश्रम बच्चा
कहीं वो मैं तो नहीं? माँ मम्मी जी, आप मम्मी जी को वापस क्यों लाए? चुप करो। मैंने आपको कहा था कि मैं मम्मी जी के साथ नहीं रहना चाहती। बोला ना, चुप करो। ठीक है, अगर तुम अपने माँ के साथ रहना चाहते हो तो मैं मायके जा रही हूँ। बोला ना, चुप करो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी अपने माँ के लिए। हाँ, माँ के लिए। तुम्हें मायके जाना था ना, तुम जा सकते हो। जाओ। और तुम कान खोल कर सुन लो, तुम ये मत सोचना कि हमारे घर में माँ रहती है। ये घर माँ का है और हम माँ के घर में रहते हैं। तुम्हें यहाँ पे रहना है, तुम रह सकती हो। जाना है तो जा सकती हो। माँ तो इसी घर पे रहेगी, समझी? हटो, आइए माँ।